सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा था, लेकिन सात महीने में पति ने पत्नी को बेगाना कर दिया। ताना और अपमान सहकर भी पत्नी करीब तीन सालों तक पति के पास रही। इस बीच उसे एक बच्चा भी हुआ, लेकिन पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, अपने घर से मारपीट कर उसे भगा दिया है। मायके वाले गरीब है, इसलिए वहां भी उसका गुजारा संभव नहीं, इसलिए पीड़िता पुलिस से मदद चाहती है। भागलपुर जिले का एक मामला है। पीरपैती थाने के सलेमपुर की रहने वाली नीतू देवी अपने ससुराल वालों से परेशान है। नीतू न्याय मांगने भागलपुर के SSP बाबूराम के पास पहुंची। नीतू ने बताया कि 21 दिसंबर 2019 को सलेमपुर के रहने वाले नीतीश कुमार के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के 6 महीने तक उसे पति और पूरे ससुराल वालों का साथ मिला। उसके बाद उसके पति, ससुर और सास दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, समय समय पर उसके साथ मारपीट करने लगे। 2 दिन पहले उसके सास ससुर और पति ने दहेज की मांग को लेकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में बुरी तरह जख्मी नीतू को स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। ठीक होने के बाद पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाने सीनियर SP के पास पहुंची, जहां सीनियर SP ने मदद का आश्वासन दिया। क्या मामला पूरा? पैसा मांगते हैं, वो कहते हैं पैसा लेकर आओ तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और 1.5 साल का एक बच्चा भी है, वो मारपीट करके घर से उनको निकाल दिया है। वो घर घुसते हैं ना, पूरा मारपीट करता है। कौन? हमारे साथ पति और सास ससुर तीनों मिलकर हमको मारता है। क्या बोलता है? कहता है पैसा लेकर आओ तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। हमके लिए रोने लगे, हम पूरा माथा पटकते थे उनके पास, ससुर के पास। हमारे पास गरीब है, हम लोग पैसा कहाँ से। कितना पैसा बोल रहे हैं? कितना? 1.5 लाख ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे करके नहीं चुकता करेगी ना तो बोलो पर कुछ भी लान के दो। ऐसे ऐसे करके ना झुका झोरी नीचा चौथी मतलब चूड़ी फुला फुल खूब करता था, बाल धर के ऐसे मड़ो मड़ो घीच देता था। आपके प्रति ससुर जी का कैसा रवैया है? गंदा मतलब गंदा नजर से हमको हरदम देखते रहते। कौन? जब मेरे पति घर में नहीं रहते थे ना तो हरदम गंदा नजर से देखते रहते थे। हम डर से ना जल्दी कुछ नहीं बोलते थे, और जब थोड़ा सा मुखिया जी के पास जाते थे बोलने के लिए तो कहता था कि कहाँ चली गई निकली के, मतलब हर जगह से हमको आरोप लगाया जाता था। हरदम गंदा कि हम खराब हैं। हम खराब नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ऐसा काम कभी नहीं किए हैं। कब शादी हुआ था आपका? 11 दिसंबर 2019 को शादी हुआ है। कितना पैसा दिए थे उस समय? दहेज दिए थे? हाँ, उस टाइम जो दिया गया था, जो कर्जा लेकर सोना कुंठी, बस इतना ही दिया गया था लड़का का। और लड़का वाला पिताजी जो थे वो कहते थे हमारा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा एक लड़की चाहिए। अभी दहेज मांग रहा है? हाँ, शादी होने के बाद वो कहता है अभी दहेज मांग रहा है। जब 1.5 लाख रुपया लेकर जब एक में था ना, उस टाइम 8 महीना का, उस टाइम हमारे साथ खूब मारपीट किया था। लोग ससुर मेरे यहाँ पर दांत काट लिए। उस दिन हम लोग केस नहीं किए थे, इज्जत जो के रखे, और ये चुपके से केस कर दिया, हमारे पापा को बसा दिया। कहता कि ऐसा नहीं दमे तो ऐसा दमे नहीं पैसा, कैसे तो दमे नहीं डरक मारा, यहाँ रहे यहाँ रंग कर दिया। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। पति क्या नाम है? नितेश मिश्रा। ससुर का? जयकांत मिश्रा। कहाँ है ससुराल आपका? मिर्जा चुकी सलेमपुर। घर कहाँ आपका? सलेमपुर, मतलब गांव में ही शादी है। मुखिया सरपंच सुनिंदा नेता सब मिल कर कराया गया कि एक गांव में लव मैरिज के थे क्या? लव मैरिज ऐसा काम नहीं करते हैं हम, गांव समाज मिलकर शादी हुआ है। ठीक।